जय श्री राम, हर हर शंभु, हर हर महादेव। भक्तों, जैसे आप देख रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा कर रहे हैं और शिव पुराण कथा से ही भक्तों का कल्याण और अंधकार का नाश और रोशनी का प्रकाश हो रहा है सभी के मनों में। कहते हैं गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचाते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान पाकर हमें भगवान जी से प्रेम होता है, परमात्मा से, और परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। देख रहे हैं कि सबसे बड़ी कृपा गुरु बल की होती है और भगवान की, क्योंकि जीवन में अगर तुम्हारे भक्ति आ जाए, गुरु जी आ जाए, या फिर तुम्हें कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, समझ लेना प्रभु ने तुम्हें तुम पर कृपा कर दी है। अब देखना इतना भक्तों का प्रेम महादेव के निकट, प्रदीप मिश्रा जी निकट, इतनी तीन पंडाल पूरे भर हुए हैं, बच्चों कुछ पब्लिक बाहर बैठकर भक्त अपने कथा सुन रहे हैं, जहाँ स्थान मिल रहा है वहीं सुन रहे हैं। भक्तों से प्रार्थना, अपने सावधानी से कथा सुने, क्योंकि ऐसे उसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं और चोट वोट लग जाती हैं। बात करें प्रेमानंद महाराज जी की, जो वृंदावन में सनातन धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं, श्री राधा रानी सरकार से उन्हें अधिक प्रेम है और प्रेमानंद महाराज जी से भक्तों को प्रेम है, जो हमें इतना परम ज्ञान देते हैं, जो हमें परमात्मा का मार्ग दर्शन कराते हैं, जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। कहते हैं ना, जन्म के दाता मात पिता हो आप, कर्म के दाता है आप, मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग विधाता है, आप ही भाग विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सत्यगुरु की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त होती है, हमें ठाकुर जी से, कृष्ण भगवान से प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम होता है उनसे, परमात्मा से। बात करें देवी के अंदर ठाकुर जी की, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करती है, वैसे ही गुरु का धर्म होता है अपने शिष्य का भाग्य जीवन का पालन करना। देवकीनंदन ठाकुर जी जैसे सभी से छोटे छोटे शिवलिंग बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, महादेव की यानी कि सावन सब चल रहा है, सभी एक एक फैमिली अपने महादेव जी को शिवलिंग बनाकर एक एक पंडित जी सभी का अभिषेक करा रहे हैं, रोली, दूध, दही, चावल, हल्दी, पुष्प, धागा, जो भी महादेव जी को अर्पित होता है, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प की माला, बहुत जो भी चीज़ अर्पित होती है महादेव जी को, सब अर्पित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, देवकीनंदन ठाकुर जी के पुत्र, बेटी, परिवार, उनकी पत्नी सब हैं साथ में। बात करें बागेश्वर धाम सरकार की, इनकी तो बहुत विदेशों में भी चर्चे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हैं गुरुदेव, और काफ़ी इनके भक्त हैं, काफ़ी शिष्य हैं, काफ़ी इनको चाहने वाले हैं। गुरुदेव कहते हैं, ऐसी कोई गली नहीं जहां बालाजी की चली नहीं। और जो सनातन धर्म को नहीं मानता, जो सनातन धर्म पे विश्वास नहीं करता, भगवान की शक्तियों पर संदेश होता है, भगवान जी का विरोध करते हैं, हमारे सनातन धर्म का विरोध करता है, उनकी ठठरी वारते हैं। जी हाँ, जो सत्य गुरु बागेश्वर धाम सरकार, जिस पे साक्षात सन्यासी बाबा की कृपा, बालाजी की कृपा है, और किसी से डरते नहीं, सबके ठठरी उगाड़ देते हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। बात करें अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव की, जो सबसे ज़्यादा संत, सरल और बहुत प्रसन्न कथावाचक गुरुदेव हैं, और इनके बारे में तो क्या ही कहूँ, इनके कर्म बहुत ही पावन कर्म हैं, सबसे सेवा करने वाला सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान होता है। इनकी पत्नी अपनी घर गृहस्थी की, अपने पति की, अपने पत्नी होने का धर्म निभा रही हैं, गुरुदेव अपने गुरु होने का धर्म, बेटे होने का धर्म, कर्तव्य, पति होने का कर्तव्य, पिता होने का कर्तव्य, हर सब चीज़ का कर्तव्य निभा रहे हैं, हमारे यानी कि सेवाएँ कर रहे हैं समाज की, हज़ारों भक्त, हज़ारों संतों का भोजन प्रसाद बनता है अन्नपूर्णा रसोई में,
जो सुबह से शाम तक चलती है, उस भक्त अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। सो भाग्यशाली है, गौरी गोपाल आश्रम का प्रसाद सभी भक्त खाते हैं, चखते हैं। और प्यारे से हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख रहे हैं इनका श्रृंगार बहुत सुंदर क्या है। कथा पाठ श्रीमद् भागवत कथा का कथा पाठ चल रहा है, और जो कि गुरुदेव पावन कथा सभी को सुना रहे हैं, हम सबको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इससे गुरुदेव बहुत सौभाग्यशाली मिलते हैं। तो आप वास्ते चैनल से भी इनकी कथा सुनते होंगे, क्योंकि इनके भजन भी बहुत मधुर गाते हैं ये, और कथा भी बहुत अच्छी करते हैं। साथ में इनकी पत्नी भी कभी कभी कार्यों में दिखाई देती हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं जब साथ में होते हैं दोनों जने, और सब कार्य अपने मिलकर करते हैं सभी। और अगर वीडियो सही लगी हो तो प्यारे प्यारे कमेंट कर दें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको